हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे यदि हम अमेज़ॉन प्राइम पर कोई वीडियो देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं या फिर कोई मूवी देखते हैं तो हमारा जो 2 घंटे में या 1 घंटे में हमारा 1 GB डेटा ख़त्म हो जाता है। तो हम चाहते हैं जो हम मूवी या फिर सीरीज़ देख रहे हैं उस पर ज़्यादा डेटा हमारा वेस्ट ना हो, तो उसके लिए हम कैसे वीडियो क्वालिटी को मेनटेन रखें, यानी वीडियो क्वालिटी भी सही रहे और डेटा भी ज़्यादा यूज ना हो। तो उसके लिए हमने अमेज़ॉन प्राइम ऐप को इसे ओपन कर लिया है, तो हम यहाँ कोई भी वीडियो प्ले करके देख सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस वीडियो को बंद करेंगे यहाँ से और डायरेक्टली हम इस सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम नीचे लिखा हुआ है माई स्टफ़, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर सेटिंग उसे ओपन करेंगे और स्ट्रीम एंड डाउनलोड इस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रीमिंग क्वालिटी, इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ क्वालिटी के अलग अलग सेक्शन दिखा रहा है, तो यहाँ सबसे जो ज़्यादा डेटा यूज लगेगा, यानी सबसे ज़्यादा जो डेटा स्ट्रीमिंग में लगेगा वो बेस्ट क्वालिटी में लगेगा, उसके बाद बेटर, गुड और डाटा सेवर। तो हम जो यूज करेंगे मेनली वो बेटर यूज करेंगे, बेटर में हमारी क्वालिटी भी सही रहेगी और हमारा डेटा भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। तो यदि हमारे पास ज़्यादा ही लोवेस्ट डेटा है तो हम डेटा सर्वर यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली जब हम यूज करेंगे वो बेटर क्वालिटी यूज कर सकते हैं या फिर गुड भी अच्छा है। गुड भी में जो गुड सेक्शन है इसमें अगर हम स्ट्रीम करना चाहें कोई वीडियो कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा डेटा सेव करता है। तो इस प्रकार हम डेटा क्वालिटी सेटिंग चेंज कर सकते हैं अमेज़ॉन प्राइम पर।